काफी लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं मेरा ये रैंक है क्या, मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने का कंफर्मेशन है कि नहीं। वीडियो बिल्कुल एंड देखना, मैं यहाँ पे वीडियो में उन लोगों पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा जिसमें जिसका 15,000 से ज़्यादा रैंक है, 20,000 से ज़्यादा रैंक है। तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखेगा, और साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैं बहुत सारे आप लोग के लिए हेल्प करने के लिए मैं वीडियोज़ डालता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप ज्वाइन करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ओपन डिस्कशंस चलते हैं, सारे SRCC एस्पिरेंट्स टॉपर्स लोग हैं, तो सब मैं डिस्क्रिप्शन पे और पिंट कमेंट में डाल दूंगा जहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं सब लोग से। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी आपको डिसहार्टन करने के लिए, दिल दुखी करने के लिए या फिर कुछ भी मतलब इमोशन करने के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। आप लोग को मैं मदद करना चाहता हूँ। वीडियो आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, थोड़ा सा खराब लग सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैं पूरा से सपोर्ट करूँ इस एडमिशन प्रोसेस में, क्योंकि आप लोग जितना फ्रस्ट्रेटेड है मुझे समझ आ रहा है कि कितना आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी प्रोसेस से। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। अगर आपका रैंक पर्टिकुलर कोर्स में 15,000 से ज़्यादा है या फिर 20,000 से ज़्यादा है तो आप लोग को क्या सेफ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में? देखो मैं एक सिंपल लॉजिक आपको बता दूँ, 70,000 सीट्स है ऑल टू इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड आप लोग का जो एप्लीकेशन इस ईयर आया है इज अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख। अगर मैं 1,40,000 भी मिलता हूं ना तो 2 स्टूडेंट में किसी एक स्टूडेंट का ही एडमिशन होगा, मतलब आपका प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 50% से लो है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, अगर आपका 15,000 से प्लस है ना, रैंक अगर 15,000 से ज़्यादा है, तो आपको मैं पर्सनल सजेशन देता हूँ कि प्लीज़ एक बैकअप रख लीजिए अपने पास। आप लोग प्लीज़ मुझे जो बोलता हूँ कि थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज देख लीजिए, या फिर कोई अगर आपका स्टेट का आसपास कोई कॉलेज है तो वो उसका बैकअप आप बना के रख लीजिए। हालांकि 18th मतलब कि कल आपको पता ही चल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आपका कन्फर्मेशन हुआ है कि नहीं, लेकिन मैं आपको पहले बोलूँ कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। क्यों आप लोग लास्ट तक देखना चाहते हैं कि हाँ मेरा कैसा होगा, वर्स्ट के लिए आप प्रिपेयर करके रखिए। आप लोग चाहे अगर आपका एडमिशन होगा तब तो वेल एंड गुड। मैं तो प्रे करता हूं हर एक स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका एडमिशन हो जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया। तो उसमें आपका एडमिशन हो जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और एट द एंड जब आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसमें कॉलेज का नाम नहीं रहेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट का आपका हो जाए एडमिशन, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग वर्स्ट सिनेरियो के लिए भी प्रिपेयर रहे। अब देखो यार 15,000 सीट्स जिसका रैंक है, अब देखो 15,000 रैंक जिसका ज़्यादा है ना, प्लीज़ मैं बोलूँगा उसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए आप लोग अपना एक बैकअप। और जो लोग 20,000 से ज़्यादा है, जिसका 20,000 से प्लस रैंक है, तो प्लीज़ देखो यार एक आप लोग को खुद मतलब प्रैक्टिकल वे में आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपका एडमिशन में उस पर्टिकुलर कोर्स में अगर आपका कोई है ही नहीं। तो आप लोग प्लीज़ बैकअप एक बना लीजिए। मैं ऑलरेडी एक कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम में भी पोस्ट करके बताया था कि दिस इज़ रियली डिसहार्टनिंग कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि आपका रैंक बहुत ज़्यादा है 3,000 के, आपका एडमिशन उतना ज़्यादा कंफर्मेशन होने का चांसेस नहीं है। तो आप लोग एक बैकअप बना लीजिए, तो चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। देखो यार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 1 ईयर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, और आज के ज़माने में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन, अगर आप 1 ईयर वेस्ट कर देंगे ना तो दिस विल बी रियली डिवास्टेटिंग इन योर फ्यूचर करियर्स। प्लीज़ आप लोग सर्च करिए अपना स्टेट बोर्ड के भी या फिर प्राइवेट कॉलेजेस। तो मैं चाहता हूँ कि और एक वीडियो बना दूँ जहाँ पे कॉलेज जो है वो अभी भी ओपन है एडमिशन के लिए, तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और साथ ही साथ मैं ये वीडियो में पहले बोलता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी आप लोग को दिल जो है वो दुखाने के लिए नहीं था, मैं आपको पूरा से मदद करना चाहता हूँ इसीलिए ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों लोगों से शेयर कर दीजिएगा। और डिसहार्टनिंग के लिए कुछ बात नहीं है यार, कोई नहीं, कॉलेज नहीं मिले तो क्या फ़ायदा, कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।